सो ही गाइज, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल इन यूट्यूब। गाइज देखिए, यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ फिर से आपका इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का फेज सेकंड का रिव्यू। ठीक है, फेज सेकंड का रिव्यू गाइज, ये केवल जोधपुर सेंटर का रिव्यू है और ये कैंडिडेट के द्वारा शेयर किया गया है। जो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर किया है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली कल मैंने कॉमटी पे पोस्ट डाला था। देखिए 7 नवंबर का ही है ये रिव्यू, जो है 7 नवंबर की है। आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये तारीख आपका है आई थिंक 11, ठीक है, 11 तारीख को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप लोगों से ही बोला तो 78% एग्री करते हैं कि भाई वीडियो बना दो इस टॉपिक पे। ठीक है, तो जीडी टॉपिक्स वगैरह भी शेयर किए हैं, तो बिना टाइम लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा लगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना आए तो डिसलाइक मार देना, इट्स डिपेंड ऑन यू गाइज। सो गाइज देखिए, यहाँ पे आ चुका हूँ व्हाट्सअप पे और इनका फेस सेकंड था और इन्होंने देखिए जो इन्फॉर्मेशन शेयर की, हाय, ठीक है। बट एक बात बताना चाहूँगा भाई, चलो अभी बताता हूँ पहले से ही, हाय आई एम विवेक। और गाइज देखिए, हर एक सेंटर पे भी फेस सेकंड नहीं हुआ, पहली बार हर एक सेंटर पे फेस सेकंड नहीं हुआ। कोच्चि पे हुआ है, बेंगलोर पे हुआ है, मुंबई पे हुआ है एंड एक सेंटर गुवाहाटी पे हुआ है। इन 4 सेंटर्स का अच्छे से पता है। एंड ये जो मैं रिव्यू दे रहा हूँ, ये जोधपुर सेंटर का कैंडिडेट के द्वारा शेयर किया गया है। गाइस इसमें मेरे पास अभी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे मैं बिल्कुल सिद्ध कर सकूं कि है, ठीक है। तो भाई अगर आपको बिलीव नहीं है तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि उन्होंने अब एक आपको लॉजिक दिखाता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। हाय सर, आपने नंबर दिया था यूट्यूब पे कमेंट पे, गाइस इन्होंने बोला था कि कमेंट सेक्शन में कि सर मेरा भी क्लियर हो गया, तो मैंने वहाँ पे अपना नंबर दिया। मैंने बोला कि भाई यस अपना शेयर रिव्यू शेयर कर दो, तो बोले यस भाई रिव्यू शेयर करो। तो हाँ जी, तो पूछिए क्या क्या बताना है। तो मैंने पूछा यस भाई कब था आपका, कितनी रिपोर्टिंग थी। 15 का जीडी बैच था सीधा, इन्होंने ये बताया। और 65-70 का रनिंग में बैच था। टोटल कितने कैंडिडेट थे, ये सारा का सारा कुछ मैंने पूछा। 5 SC जोधपुर राजस्थान पे गए था इनका, ठीक है। मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हरियाणा स्टेट, हाँ। और उसके बाद 240 थे पर प्रेजेंट 180 से 200 के अराउंड थे। तो गए देखिए 240 का रिपोर्टिंग होगा टोटल एंड 185 से 200 के अराउंड। देखिए एग्जैक्ट वहाँ पे वैसे पता लगाया जाए तो चल जाता है, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्ट पता चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग सब पता चल जाता है कि कितने कैंडिडेट को चेस्ट नंबर मतलब बांटे गए, वो पहना देते हैं ना पहले ही। यस भाई, फिर क्या हुआ, पहले एंट्री हुई 5:40 पे स्टार्ट। मैंने कहा अच्छा भाई, तो फिर हाँ 5-6 रिजेक्ट हुए। मैंने पूछा ना कि डॉक्यूमेंट में कोई रिजेक्ट हुआ क्या, तो उन्होंने बोले हाँ 5-6 रिजेक्ट हुए। DOB रंग का इशू था उनका, तो पता नहीं गाइस DOB वगैरह पे तो हो सकता है मे भी कुछ ऐसा इशू। अच्छा भाई, फिर 7 बजे के करीब रेस स्टार्ट हुई, रेस रोड पर थी, डॉक्यूमेंट एंट्री टाइम ही वेरीफाई हो लिए थे। तो देखिए ये तो कर ही लेते हैं, फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, बाकी सब जो चेकअप होता है वो फेस सेकंड जब आप SRT वगैरह क्लियर कर लेते हैं तब जाके सब कुछ अच्छे से चेक करते हैं। फिर नहीं, वहाँ से अराउंड 500 से 700 मीटर दूर ग्राउंड था। गैस मैंने यहाँ पे पूछा भाई ये बताऊँ रेस जो थी रोड पर थी, तो उन्होंने बोला हाँ मतलब रेस जो था रोड पर ही था और वहाँ तक बस में ले जाया गया हमको। तो कानपुर सेंटर अगर आप जाने वाले हो कानपुर सेंटर पे, तो कानपुर सेंटर पे भी आपको बस पे बैठा के ले जाएंगे, ये मुझे पता है। तो वही ऑलमोस्ट सेंटर से एक वही 1600 किलोमीटर दूर, फिर उधर सेंटर तक ही दौड़ा के लाते मान लो, ठीक है, वो अपने कैंप के भीतर ले जाते हैं, ठीक। एंड दिल्ली सेंटर पे क्या होता है, दिल्ली पे क्या होता है भाई, उधर से ही दौड़ाते हैं मान लो, जहाँ पे एंट्री होता है उधर जस्ट रोड लगा है, उधर से ही आपको वहाँ पे बस पे नहीं कहीं लेके जाते हैं। उसके बाद गए देखिए, अच्छा भाई जी हाँ, तो अच्छा भाई वहाँ रेस ग्राउंड पर हुई, मैंने कहा ग्राउंड पर था ट्रैक टाइप, अच्छा। कितने कैंडिडेट का ग्रुप था आपका, तो 65 से 70 का ग्रुप था, 3 बैच में कंप्लीट कर दिया था रनिंग हमारा बैच में। मैंने पूछा कितने रनिंग आउट हुए, तो केवल इनके बैच में 3 कैंडिडेट ही रनिंग आउट हुए। मैंने कहा वेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट रनिंग पे आउट होते हैं। पुशअप एंड स्क्वाट्स में अराउंड 7-8, ये कुछ ज़्यादा आउट हो गए। लास्ट में 121 बचे थे फिजिकल की बात, और पहले 20 मार्क का ग्रामर टेस्ट हुआ। तो कहते कि फिजिकल के बाद इनका कहना है कि 120 कैंडिडेट बचे थे, मतलब 121, एंड पहले 20 मार्क्स का वो जो ग्रामर टेस्ट हो रहा है ना, जिसे आप DFT टेस्ट बोलते हो, ठीक है। तो उस टेस्ट में देखिए, फिर अडेप्टबिलिटी टेस्ट फर्स्ट और देन जीडी। मेरा टॉपिक था पॉपुलेशन ड्यू टू स्मोक, तो देखिए स्मोक सॉरी मतलब स्मोग SMOG, ठीक है, स्मोक मान लेते हो जो धुएं वगैरह की पॉपुलेशन, मेन टॉपिक था पॉपुलेशन, आप बोल सकते हो उस पर। अच्छा मैंने कहा भाई फिर बताओ, स्मोक प्लस फॉग इक्वल टू स्मोक, ओके देन ओके। मैंने अच्छा भाई जीडी टॉपिक्स क्या थे, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के साथ मैंने एक्सपेरियन किया, वेल अच्छी बात है, इन्होंने मतलब बताया कि क्या क्या कैसा क्या सीन रहता है अदर कैंडिडेट्स का, कि पहले नंबर पॉल्यूटेड एरिया
अच्छा, इन्होंने वो बताया कि मतलब अपने टॉपिक का बता रहे हैं कि कौन से सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया कौन है, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, पानीपत, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओनली 3 पॉल्यूटेड सिटी ही पूछी थी उन्होंने। ओके भाई, जी टॉपिक पूछा मैंने बहुत ईजी था, सिंपल टेंस मैंने पूछा ना, इंग्लिश टेस्ट का क्या रहा, इंग्लिश टेस्ट का क्या रहा सीन। तो उन्होंने बताया भाई बहुत ईजी था, सिंपल टेंस, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल फिलअप बेस्ड थे। भाई देखो सिंपल सा आ रहा है, और एक कैंडिडेट ने बोला था कि 30 नंबर लाने हैं, 30 नंबर, 30 नंबर। देखिए नंबर वगैरह का आई थिंक कोई वो नहीं है अभी तक, तो मुझे भी इसके बारे में पता नहीं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, ये पहले बोलते हैं कि रैली वगैरह पे पहले कंडक्ट कराया जाता था, तो बट अभी तो रैली का कुछ ऐसा सीन है नहीं, तो मुझे तो वहाँ का पता नहीं है। बट बेसिकली गाइस एक बात बता दूँ कि जो होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वेरी जी, इतना ईजी कि आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, मतलब काफ़ी ईजी होगा। अच्छा भाई, कितने आउट हुए SRT में? पॉल्यूशन ड्यू टू स्मोक, इन्होंने GD टॉपिक्स बताया। हाँ, ये अदर कैंडिडेट का मैंने पूछा GD टॉपिक्स बताओ भाई, तो इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन रेपिडली, मतलब कि पॉपुलेशन पे पूछा। रोल ऑन सोशल मीडिया इन यंगर जनरेशन, सोशल मीडिया का मतलब रोल पूछा यंगर जनरेशन पे, आप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव इस्पेक्ट आप बोल सकते हो। मोबाइल फोन बेनिफिशरी फॉर यूथ जनरल सोसाइटी इज रिलेटेड ही था टॉपिक, मतलब ऐसा कुछ इससे भी कुछ रिलेटेड ऐसा टॉपिक होगा। ओके गुड बाई वन। अच्छा, इसमें कितने आउट हुए? केवल 2 कैंडिडेट SRT में, ओनली 2। अच्छा हाँ जी सर, मैंने पूछा ये। हाँ अच्छा भाई, कुछ सजेशन जिनका फेस शेक है भी, ये है कि वो हॉनेस्ट होके जाएं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा भाई, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, ये तो पहले से ही होता है भाई, वो लोग बहुत हम्बल होते हैं, बट कुछ गड़बड़ नहीं करोगे भाई, आपका थोड़ा बड़ा गड़बड़ भी हो रहा है तो वो निकाल देते हैं, मतलब पास कर देते हैं, स्टूडेंट का फुल सपोर्ट करते हैं भाई, बस उनके इंस्ट्रक्शन प्रॉपर फॉलो करो। थैंक यू सर एंड कॉन्ग्रेट्स, मैंने बोला इनका क्लियर हो गया। लास्ट में 2 टाइम क्वालिफाइड करता आ रहा हूँ, बट मेडिकल रिफर मिलता था वो क्लियर नहीं होता और रह जाता हूँ। सो गाइस ये कुछ था, और मेडिकल मैंने पूछा मेडिकल कब है, जनवरी में कब है, तो 17 जनवरी को इनका मेडिकल है। ओके देन फ्राइडे उन्होंने डेट बताया, सर प्लीज़ डोंट से थैंक यू, मैंने कहा थैंक यू तो कहा ठीक है कोई बात नहीं। सो गाइस ये कुछ था, मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर गुड नाइट वगैरह वगैरह हो गया। इन्होंने कल शाम को शेयर किया था, तो आज दिन पे थोड़ा टाइम नहीं मिला तबीयत वगैरह की वजह से। सो गाइस ये रिव्यू था, जैसा वीडियो भाई लगा आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।